कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने बिलासपुर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार पर इस कोरोना काल में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवाने को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ग्रामीणों में इस कोरोना काल में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में नाकामयाब साबित हो रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि माना कि प्रदेश में कोरोना काल चला रहा, लेकिन प्रदेश सरकार का दायित्व तो बनता है कि लोगों को कम से कम मूलभूत सुविधाएं तो उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पर पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, लेकिन ना तो फिटर सही ढंग से काम करते हैं और ना ही अधिकारी लोगों का काम कर रहे हैं। हर एक के पास यही बहाना है कि कोरोना महामारी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना काल चल रहा है तो इसका मुकाबला हौसले के साथ करना पड़ेगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर से उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में स्वारघाट में उपमंडल में हर बार सहायक अभियंता के पद पर उसी व्यक्ति को भेजा जाता है जिसकी रिटायरमेंट नज़दीक हो या फिर बीमार हो, ताकि वे अपनी रिटायरमेंट के दिनों की गिनती करता रहे और लोगों के काम ऐसे ही पड़े रहें। उन्होंने कहा कि गर्मियों के दिनों में पेयजल स्रोत सूख जाते हैं, हालांकि लोगों को इस कोरोना काल में भी पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लोग दूर दूर से प्राकृतिक स्रोतों से पानी भरने को मजबूर हैं, लेकिन प्रदेश सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए वह सभी बात को जानते हैं कि इस समय प्रदेश में कोरोना महामारी चल रही है, लेकिन लोगों को सुविधाओं से महरूम नहीं किया जा सकता। कोरोना का इलाज किया जाना चाहिए, सरकार को मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध करवानी चाहिए, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, लेकिन अगर लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएं तो इससे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। कहना चाहूँगा ये प्रश्न केवल मात्र नैना देवी हल्के का नहीं है। अगर देखा जाए तो पिछला अगर विधानसभा की कार्रवाई को उठाएं तो मैंने विधानसभा में कुछ प्रश्न आईपीएच मंत्री जी से पूछे थे, और वो पूछे थे मैंने कि भाई सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है, और रेफरेंस मैंने दिया था अपने चुनाव क्षेत्र का कि मेरा नैना देवी चुनाव क्षेत्र जो है वो माँ नैना देवी के नाम से तो है लेकिन सूखा ज़्यादा है, और उसके लिए क्या विशेष प्रावधान जो है वो हो सकते हैं। तो उसमें मंत्री जी ने कहा था कि भाई हैंडपम्प लगवाएंगे, तो मैंने अब जब देखा तो हैंडपम्प गर्मियाँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब जून में नरे गया, जून महीने के बाद 15 जुलाई के बाद बरसात आ गई, कई बार जो है वो शावर्स बरसात से पहले पड़ जाते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो विधानसभा का जो सेशन था उसके बाद जो मंत्री जी ने जो पैसा देने की बात करी कि जी 200 हैंडपम्प लग जाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा एक भी हैंडपम्प नहीं लगा। अब हो ये रहा है कि सूखा पड़ गया है, पानी है नहीं, और दूसरी तरफ जो है ये जो हैंडपम्प है उसको जो है ना इंस्टॉल करने का जो टेंडर है वो भी फ्लोट नहीं हुआ है, और कि कौन लगाएगा, कैसे लगाएगा, क्या क्या शर्तें होंगी, तो अभी तक वही फैसला नहीं हुआ है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि ये आज सिर्फ JGM के सहारे टिके हुए हैं। अब और अखबारों में आ गए कि 1200 कुछ करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने JGM में और दे दिया। मैं ये कहना चाहूँगा JGM से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, JGM से जो है वो दो पंजाब के ठेकेदारों को काम मिल रहा है, और यहाँ पे जो दो नंबर का काम करने वाले हैं उनको काम मिल रहा है, क्योंकि पाइपें बांटी जा रही है। वो जो है एक आदमी जाता है वो 50 पाइपें ले जाता है, वो दबाएगा भी वही और वो इंस्टॉल भी वही करेगा, सिर्फ बिल जाएगा ठेकेदार का और ठेकेदार को पेमेंट हो जाएगी। आज मैं कहना चाहूँगा जिस पब्लिक की जो स्कीमें हमने बनाई थी, जिस स्कीम के ऊपर 100 कनेक्शन लगे हुए थे JGM से, वहाँ पे 400-500 कनेक्शन लग गए, लेकिन पानी नहीं आया। और ये भी मैं मानता हूँ क्योंकि मंत्री जी ने विधानसभा में कहा था कि इस बार हम JGM की तरफ से जो है वो हम नलके लगाएंगे, पानी अगले साल आएगा, तब तक जो है जो पुरानी स्कीमें हैं जो पानी आ रहा था वो पानी भी लोगों को नहीं मिल रहा है।
पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे पास ये भाखड़े का एरिया है, माकड़ी का एरिया है, सलोहा का एरिया है, और ये साथ में नैना देवी के साथ साथ का एरिया है, गोविंद सागर किनारे किनारे पे ये सारा जेजीएम का पैसा उस पर लग रहा है। लेकिन लोग आज भी रो रहे हैं। मैं कल भी एक्सिन साहब को बोला, मैंने चीफ इंजीनियर को बोला कि भाई बहुत बुरा हाल है, जो आपके एसडीओज हैं जो रिटायरमेंट पे या बीमार उनको लगाते हैं स्वारघाट में, अब का जो है ना वो रिटायरमेंट पे है, वो बोलता है मैंने तो रिटायरमेंट लेनी है। यही एक है स्वारघाट से लेके भाखड़ा तक।